हाय नमस्ते फ्रेंड्स, मैं बीकानेर से राकेश शर्मा और आज हम खड़े हैं जोड़बीड़ गिद्ध संरक्षण क्षेत्र में। जोड़बीड़ जो गिद्ध संरक्षण क्षेत्र है ये बीकानेर में अवस्थित है और बीकानेर सिटी से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है। और ये सामने जो रोड दिखाई दे रही है नापासर लाडनू रोड है, जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, वेल कनेक्टेड है। आज जैसा कि हम इसका नाम है जोड़बीड़ गिद्ध संरक्षण केंद्र, प्रीमियम गिद्ध है जिसे हम कहते हैं सिनेरियस वल्चर, जो लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट रेप्टर विश्व में सबसे ज़्यादा भारी और सबसे ज़्यादा बड़ा ये सिनेरियस वल्चर है। इसका सिर तो आगे से गंजा होता है, चोंच जो उसकी आगे की टिप होती है वो तो होती है काली और फिर बाद में हल्की ब्लू हल्की वो पिंक कलर की होती है और गर्दन इसकी में हल्के भूरे बाल होते हैं। पंखों का स्पान जो है वो बहुत बड़ा होता है। आज हम इसका वीडियो भी आपको दिखाएंगे, पूरे पंख ऐसे फैलाए हुए, उसका पूरा स्पान आप देखिए कितना बड़ा है। आज कोई भगवान ही मेहरबान हुआ जो इतने सुंदर दृश्य और सीन उस गिद्ध ने अपने आप मुझे दिए। तो ये जो सिनेरियस वल्चर है सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट भी है और सुबह सुबह की समय आज 3 दिसंबर है 2019 अर्ली इन द मॉर्निंग में ये वार्म अप हो रहे थे और आराम से इन्होंने खूब अच्छे शॉट भी मुझे दिए। सिनेरियस वल्चर जो है ये मुख्य रूप से माइग्रेटरी बर्ड है, जो फ्रांस जर्मनी और पुर्तगाल दूसरे अन्य यूरोप के प्रदेशों से माइग्रेट होकर जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो यहाँ पर आते हैं। इसका साइंटिफिक नाम है एजीपस मोनोकस और ये सिनेरियस वल्चर जो बीकानेर की जो इस धरा पर है सबसे ज़्यादा आए हुए हैं। लगभग यहाँ 500 करीब संभावना है, अभी तक 500 तक तो आ चुके हैं, लगभग 1000 तक हो जाएगी इनकी संख्या। बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर ये जोड़बीड़ है ये एक डंपिंग क्षेत्र है, जो राजस्थान सरकार है उसका एक डंपिंग एरिया है, रीजन है। यहाँ पर बहुत सारे पशु, मृत पशु, पक्षी और ये सारे डाल दिए जाते हैं, तो इस कारण ये इनको खाद्य सामग्री भोजन तो बहुत सुविधाजनक मिल रहा है और बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है इसलिए। और दूसरा, यहाँ कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट भी नहीं है तो ये आराम से यहाँ पर पूरा सर्दियों का जो माइग्रेशन है, प्रवास काल है, वह यहाँ पे निकालते हैं। ये मेल फीमेल सारे और प्लस इनके बच्चे भी यहाँ आए हुए हैं, अलग अलग डालों पर सुबह मिलते हैं, शाम को भी मिलते हैं। इसके मैंने सनसेट के अंदर के ब्यूटी के साथ भी इनके सिलोट फोटोग्राफी खींचे, इनकी डिटेल भी लिए, बायोग्राफी लिए और मॉर्फोलॉजी लिए, एनाटॉमी की बात हम थोड़ी बहुत कर लेंगे। तो ये आप मेरा वीडियो ज़रूर आप देखें। आज मैं एक्सक्लूसिवली सिनेरियस वल्चर के ऊपर ही केंद्रित करके मेरा ये सीरीज़ बना रहा हूँ और मेरा एक नया चैनल है, इसका नाम है वाइल्ड लाइफ चैनल। और ये मैंने इसलिए इसको बनाया कि हम बीकानेर के जो क्षेत्र के इलाके में है, जो बहुत अंडर डेवलप्ड यहाँ मानी जाती है, यहाँ पर ईश्वर की कृपा ही माने कि सारे माइग्रेटरी बर्ड, जो बेहतरीन माइग्रेटरी बर्ड हैं, सिनेरियस वल्चर, इजिप्शियन वल्चर, फन वल्चर और हिमालयन वल्चर, जैसे रैप्टर्स की बात के अलावा हम दूसरे फाल्कन की बात करें तो लगर फाल्कन, सकर फाल्कन और सबसे सुंदर रोमानिया से आने वाली ईस्टर्न इंपीरियल ईगल, ये सारे हैं। और यहाँ पर इतने 230 के करीब पक्षियों का समूह हमने काउंट कर लिया है। बहुत तरह के पक्षी हैं, छोटे पक्षी भी हैं, वेटलैंड पक्षी भी हैं और उनके शिकार करने के ढंग, सारे चीज़ें आपको यहाँ दिखेंगी। तो दोस्तों, ये मेरा चैनल जो मैंने बनाया है, अब मुझे आशा ही विश्वास है कि आप लोग इसे देखेंगे और इसे सपोर्ट करेंगे, अपने दोस्तों को और आसपास के जो भी मित्र मंडली है उनको आप शेयर करेंगे, भेजेंगे, ताकि मैंने इसी पे सब्जेक्ट के ऊपर मैं काफ़ी सारे वीडियो बनाऊंगा और शने ग्रेजुअली ये आपके पास प्रोड्यूस करूंगा। तो दोस्तों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों में। और आपने इस वीडियो को देखने के लिए जो अपना महत्वपूर्ण समय निकाला, उसके लिए दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे साथ बने रहें, हमारा उत्साहवर्धन करते रहें और आपका कोई सुझाव है तो ज़रूर हम उसको स्वीकार करेंगे, हम उस पर देखेंगे। और जहाँ तक आपके कमेंट की बात है तो कमेंट मुझे आपके हर एक की कमेंट ज़रूर चाहिए, क्योंकि कमेंट ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम आपस में संवाद कर सकते हैं। तो आपको कोई भी सुझाव वगैरह है आप कमेंट पर ज़रूर दें और चैनल को प्रमोट ज़रूर करें। दोस्तों, मैं राकेश शर्मा MSc जूलॉजी से बीकानेर से, हैव ए नाइस डे, आपका दिन बहुत सुंदर हो, अच्छा हो, मंगलमय हो और इसी तरह वीडियो देखते रहिए। कीप इट अप, थैंक यू फ्रेंड्स।
चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताएं। लाइक का बटन दबाएं, नीचे कमेंट में अपने विचार मुझे बताएं। बहुत सारे नए लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनसे अनुरोध है कि वीडियो देखने के बाद इस चैनल को बस सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो कीमती समय दिया है उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।